असलम टू फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे एरिस इन सी प्लस प्लस चले तो शुरू करते हैं एरे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑफ वेरिएबल सिमिलर टाइप्स रेफर टू बाय सिंगल एलिमेंट जब भी हम एरे बनाते हैं तो वो एक सेम टाइप का ग्रुप ऑफ डाटा होता है और उसको एक सिंगल नेम दिया जाता है इस तरह ये उसकी एक एग्जाम्पल है ये एक ही ग्रुप माना जाएगा और उसको एक सिंगल नेम दिया जाएगा और ये जो हमेशा डाटा स्टोर होता है एरे में वो एक इंडेक्स पर शोर स्टोर होता है यानी कि जीरो पर जो स्टोर होगा वो फोर्टी होगा वन पर फोर्टी वन टू पर फोर्टी टू और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा और ये इसके एरे इंडस्सीज हैं यानी कि इसके इंडेक्स हैं इट्स एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन और जब भी ये डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में तो ये मेमोरी जो होती है लोकेशन ये एक दूसरे के साथ साथ होती है जिस तरह यहाँ पर ये स्टोर है ये अगर आप मेमोरी लोकेशन समझ लें तो ये कंप्यूटर में एक दूसरे के साथ साथ होती है द साइज ऑफ द एरे शुड बी मैं वाइल डिक्लेयरिंग इट जब भी हम एक एरे बनाते हैं तो पहले हम उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद उसका साइज भी डिक्लेयर करते हैं एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज काउंटेड फ्राम जीरो ऑनवर्ड और इसका जो पहला इंडेक्स होगा हमेशा जीरो होगा वन से कभी भी नहीं होगा शुरू जीरो हमेशा होगा एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस यूजिंग द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द एरे और जब भी किसी भी हम वैल्यू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं फोर्टी फोर को तो हम इसके इंडेक्स से इसको एक्सेस करेंगे किसी और एलिमेंट को भी इसी के इंडेक्स से एक्सेस किया जाएगा द एरे कैन हैव वन और मोर है तो एरे सिर्फ एक ही डायमेंशन की नहीं होती ये सिंगल और डबल डायमेंशन भी होती है और मल्टी डायमेंशन भी होती है दे कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप फ्लोर डबल करेक्टर एटसेट्राफ एनी पर्टिकुलर टाइप ये जितने भी हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स होती हैं उन तमाम का सारा डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं यानी कि उस तरह का हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसमें जो है एरे लेंथ जो है इसकी अभी जो अगर देखी जाती तो वो नाइन है क्योंकि इसके इंडेक्स नाइन तक जा रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स जो है इसका ज़ीरो है और लास्ट इंडेक्स इसका नाइन है वाई डू वी नीड एरेस वी कैन यूज नार्मल वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल वन वेरेबल टू वेबल थ्री वैन वी हैव स्मॉल ऑफ जेक्ट्स बट इफ़ यूट स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफिस इट बिकम डिफिकल्टू मैनेज दम विदल वेबलिएबल यानी कि जब हमें कुछ वैल्यूज हमारे पास पाँच से दस या इससे ज्यादा कुछ हो तो हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अगर हंड्रेड वैल्यूज हों तो क्या हम उसके लिए हर एक के लिए लदादा वेरिएबल बनाएंगे तो इसी को सॉल्व करने के लिए जो एरेज का कॉन्सेप्ट था दिया गया था तो फर्ज़ कर लीजिए मेरे पास वैल्यूज़ हैं इंटीजर टेन और मैंने इसे स्टोर कराया इंटीजर वैल्यू वन में और ट्वेंटी को इंटीजर वैल्यू टू में इंटीजर वैल्यू थ्री इज इक्वल टू थर्टी इसी तरह सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो क्या हम हर एक के लिए एक लैदा लैदा वेरिएबल बनाएंगे तो इससे बेहतर है हमें एक एरे बना लें और सिंगल डायमेंशन एरे और उसमें सारे वेरिएबल को स्टोर करवा लें और उसे एक सिंगल नेम दे दें तो ये इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है एडवांटेजेस ये एडवांटेजेस ऑफ एरेज हैं तो जब भी हम एरेज बनाते हैं तो हमें उनके क्या फ़ायदे होते हैं हालांकि हम डाटा तो क्लासेस और दूसरी शेप्स में भी स्टोर कर सकते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डाटा एफिशिएंटली हम इसमें से डाटा बड़ी इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और उसको बड़ी तरतीब से रख सकते हैं रैंडम एक्सेस वी कैन गेट एनी डाटा लोकेटेड एट एन इंडेक्स पोजिशन किसी भी अगर पोजिशन से हम डेटा रिट्रीव uh, करवाना चाह रहे हैं तो वो हम इसके इंडेक्स के जरिए बड़ी ईजीली उसको रिट्रीव करवा सकते हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं साइज लिमिट वी कैन स्टोर ओनली द फिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इट ग्रो इट्स जब भी हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका साइज़ भी डिक्लेयर करते हैं ऐसा नहीं होता कि वो जब हम यूज़ कर रहे हो तो उसका साइज़ ख़ुद ब खुद बाखुद आगे चलता जाए बढ़ता जाए ऐसा नहीं होता इसका ये डिसएडवानटेज है एरे डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस फर्स्ट पे आता है कि यहाँ पर हम इंटीजर टाइप लिखते हैं यानी कि डेटा टाइप और आगे उस एरे का नाम और आगे इन ब्रैकेट्स में उसका साइज लिखते हैं ये इसकी डिक्लेरेशन है और जब इसके वैल्यू स्टोर होंगी वो इस तरह होंगी ये कंटेजियस मेमोरी लोकेशन होगी यानी कि एक दूसरे के साथ मेमोरी होगी कंप्यूटर में और उसमें ये कोई भी थ्री वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं वन थ्री फाइव वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं लेकिन इसमें जो आएंगे अदद वो तीन होंगे और इसका जो इंडेक्स होगा वन का जीरो होगा इसका वन होगा थ्री का और फाइव का टू होगा इसी तरह इसे एक और डिक्लेयर करने का तरीका है इंटीजर डाटा टाइप और आगे उसका साइज़ और आगे वहीं पर उसको वैल्यूज़ पुट कर दीजिए उसकी और इसकी भी वैल्यू इसी तरह होगी मेमोरी लोकेशन में वन टू थ्री वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं और तीसरा मेथड जो है वो भी सेम ही है इंटीजर ए उसका साइज और उसमें वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं ये सिर्फ ये शो करने के लिए वन 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 एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग द साइज इन सी प्लस प्लस यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है और इसमें यहाँ पर ये एरे बनाई है एरे की पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं डाटा टाइप उसके बाद एरे का नेम और यहाँ पर ब्रैकेट्स में उसका साइज तो ये इसी तरह है इंटीजर इसकी डाटा टाइप है एरे वन इसका नेम और टेन जो है इसका साइज है यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर है और उसमें मैंने लिख दिया यानी कि मेन इसका मतलब जो है इसमें टेन ही आ जाएगा तो इस तरह भी आप इसका साइज डिक्लेयर कर सकते हैं एरे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स इन सी प्लस प्लस तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पर एरे का नेम डाटा टाइप उसका नेम यहाँ पर हम उसका साइज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे इज इक्वल टू लिख के ये कर्ली ब्रैकेट और गाकर उसमें जितने एलिमेंट्स देने दे, दे देंगे और यही इसका साइज़ सेट हो जाएगा इसका साइज़ ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा और रिटर्न जीरो करवा दिया पहले तो ये था कि हम उसका साइज़ डिक्लेर कर देते थे, थे लेकिन जब हम उसके ब्रैकेट्स में उसका लिख देंगे एलिमेंट्स उसके तो इसका साइज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं जितने आप एलिमेंट्स लिख देंगे उतना ही इसका साइज होगा एरे का एरे डिक्लेरेशन बाय स्पेसिफाइंग द साइज एंड इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स इन सी प्लस प्लस पहले तो यह था कि हमने पढ़ा कि इंटीजर एरे यानी एरे बना के उसका हम साइज़ डिक्लेयर करते हैं फिर सेकंड में हमने पढ़ा कि हम उसके जो एलिमेंट्स देंगे तो उसी का साइज़ भी वही सेट हो जाएगा तो ये दोनों काम आप इकट्ठे भी कर सकते हैं यानी कि उसका साइज़ भी दे सकते हैं एक जगह पर और उसमें फिर उतने एलिमेंट्स भी एंटर कर सकते हैं एडवाटेजेज एन एरेज इन सी प्लस प्लस रेंडम सेस ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द एर इंडेक्स यानी कि हम एर इंडेस को यूज करते हुए किसी भी एलिमेंट्स को यूज एक्सेस कर सकते हैं यूज ऑफ फ्योर लाइन ऑफ कोड एज इट क्रिएट्स अ सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स यानी कि एक सिंगल एरे जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स रखती है हम उसको चंद लाइन के आप कोड से लिख सकते हैं ईजीली ट्रेवर्स थ्रू द एरे बिकम ईजी यूजिंग अ सिंगल लोक इसको रिट्रीव करवाने के लिए हम एक सिंगल लूप यूज कर सकते हैं और बड़ी ईजीली इसको रिट्रीव करवा सकते हैं शॉर्टिंगी एज इट कैन बी कम्प्लिश बाई राइटिंग फ्यूअर लाइन ऑफ कोड इसको तरतीब देना बड़ा ईजी होता है उसके लिए हमें सिर्फ चंद लाइन का कोड करना पड़ता है डिसडवाटेज ऑफ एन एरिन सी प्लस प्लस अलावा फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एंटर विच इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब हम एक एरे बनाते हैं तो उसके साथ साथ हम इसका साइज भी करते हैं और इसका साइज फिक्स्ड होता है ये नहीं होता कि रन टाइम पर वो चेंज हो जाता है या खुद ब खुद बहुत बढ़ता है इसमें जो एलिमेंट ऐड करना होता है और डिलीट करना होता है किसी न्यू मेमोरी पर वो मुश्किल काम है इसके लिए तो ये भी इसका एक है